क्या सच में सारस राजनीति का शिकार हुआ है? फ्रेंड, हम आपको एक अखिलेश यादव का ट्वीट दिखाने वाले हैं जिसमें अखिलेश यादव क्या लिखते हैं हम आपको दिखाते हैं। चलिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, कूनों के चीता, आरिफ का सारस और इटावा के शेर, भाजपा सरकार में जानवर तक जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं और संकीर्ण राजनीति का शिकार होकर प्रताड़ित किए जा रहे हैं। ये भाजपाई सत्ता व भ्रष्टाचार छोड़ किसी और से प्यार क्यों नहीं करते? तो आप देख सकते हैं इस तरह से अखिलेश यादव ट्विटर पे एक ट्वीट करते हैं जिसमें उन्होंने इस तरह से लिखा है, और मैं आपको उनकी एक वीडियो दिखाता हूं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये वीडियो उनकी। इनसे सारस इसलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं इनसे मिलने चला गया। सारस इनसे छीना इसलिए केवल मैं इनसे मिलने चला गया, मैंने बधाई देने चला गया। क्या यही लोकतंत्र है? तो फ्रेंड आपने देखा, अखिलेश यादव का कहना है कि वो आरिफ से मिलने गए थे और उनका जो सारस है उसको देखने गए थे और इसीलिए उनके सारस को छीन लिया गया है, कानपुर चिड़ियाघर में ले जाके उसको बंद कर दिया गया है। तो क्या सारस राजनीति के चक्कर में फंसा हुआ है और उसको इसीलिए आजाद नहीं किया जा रहा है? तो मैं आपको बता दूं, सारी दुनिया यही चाहती है कि सारस को इस तरह से राजनीति में न खींचा जाए, राजनीति में न खींचते हुए सारस को आजाद किया जाए। जैसे सारस पहले आजाद था, उसका जहां दिल करता था आता था, जहां दिल करता था जाता था, उसी तरह से सारस को आजाद कर दिया जाए। और फ्रेंड आपको क्या लगता है, सारस सच में राजनीति का शिकार हुआ है? फ्रेंड आप कमेंट करके जरूर बताना कि सारस के साथ क्या होना चाहिए, उसको इस तरह से राजनीति में खींचा जा रहा है और घसीटा जा रहा है तो सारस के साथ होना क्या चाहिए? और फ्रेंड आप ये चाहते हैं कि आरिफ का दोस्त सारस आजाद हो जाए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ये कानपुर चिड़ियाघर तक जाना चाहिए और उनको पता चलना चाहिए आरिफ के दोस्त सारस को आजाद किया जाए और उसको राजनीति में मत खींचा जाए। सारस बेजुबान है और उसको इस तरह से राजनीति में खींचना अच्छी बात नहीं है, उसको आजाद कर दिया जाए जैसे वो पहले आजाद था, उस तरह से उसको आजाद कर दिया जाए। फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक।